नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश से अक्षय बच्चन की ग्राउंड रिपोर्टिंग। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। योगी सरकार में भी हो रही भ्रष्टाचार, नल्ली गली शौचालय चढ़ा भ्रष्टाचार का भेंट, गंदगी का अंबार बना हरिजन पट्टी। एक तरफ जहां विकास का काम चल रहा, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के राज्य में हरिजनों को देखने की फुर्सत तक नहीं। कैसी है उसकी जिंदगी, जानने के लिए पहुंचे आर भारत टीवी चैनल के पत्रकार अक्षय बच्चन। नगर पालिका गेट के पास, नगर पालिका गेट जो के पूरे शहर को सफाई करवाता है, उसके गेट पर ही ये देखा गया गंदगी कितना लगा हुआ है। खुद ये तड़कुल का पेड़ वाला हिसाब हो गया। तड़कुल का पेड़ देखने में बहुत लंबा होता है, लेकिन अपने ही जड़ पर वो छाव नहीं देता है। उसी तरह से ये देखा जाएगा, नगर पालिका है और इसके गेट पर ही बहुत काफी गंदगी पड़ी हुई है। आइए आगे में चलते थे, मैं बातें करता हूँ। ये नदी का ही देखा जाए, अभी मैं अंदर में गया था, अंदर के कुछ कर्मचारी से मैंने बात किया ये गेट ताला खोलने के लिए, तो वो बोला कि ताला नहीं खुलेगा, क्योंकि ताला जो बंद हो जाता है नहीं खुलता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ कि ताला खुलता है नहीं, ताला ये खुलता है नहीं। अच्छा, इसका समय क्या है? नदी का ही, नदी का ही, कितना ही क्या दिक्कत है? उसका काम रहता है तब खोलता है, बिना काम के नहीं खोलता है। फिर क्यों? यही पर मैंने देखा कल रात में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग पेशाब करते हैं। ये नगर पालिका गेट का स्थिति है कि यही पर जहाँ जो सफाई देता है पूरे शहर को, उसके गेट पर ही गंदगी है, यहाँ पर पेशाब लोग करते हैं। और ये गेट जो है बंद है, उसने ताला बंद किया, लेकिन उससे मैं बोला कि ताला पर जितना ध्यान दे रहे हो आप, अगर आप सफाई पर ध्यान दे दोगे, ये पूरा बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। थोड़ा ये बीच वो दिखाया, ये डी बाबा है क्या? डी बाबा के यहाँ पर क्यों थोड़ा कस्ती को लिए का ही क्या है? गुटका खाना है? गुटका खाना है? गुटका बहन है, गुटका नहीं खाना है, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या यहाँ क्या दिक्कत है? बहुत काफी गंदगी है। हाँ, बहुत काफी। आप भी जाके देख सकते, दुर्गंध तो आ रही है, दुर्गंध तो आ रही है, दुर्गंध आ रही है, बहुत काफी गंदगी और बहुत दुर्गंध भी आ रही है। और इधर भी लोग हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्या क्या समझते हैं, क्या है आप लोग? काय काय बात है? जाओ सर, बोल बोल, कुछ बता बताओ। कि सफाई नहीं होती है क्या यहाँ पर? गुटखा खाए ना? गुटखा छोड़ दिए, क्यों जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? आपकी मुंह बता रही है आप गुटखा खाते हैं? गुल खाते हैं? क्यों खाते हैं? मत खाइए, खराब चीज है। बताओ बोलो, और स्वच्छ रहिए, अपने परिवार को हंसते खिलाते रखिए। ये भी शौचालय एक है, यहाँ पर अंदर में आते हैं। ये तभी नया बना हुआ है, बन रहा है, बन चुका है, लेकिन इसमें अभी साल जैसा हो जाता है काम। सर, गेट बंद हो गया है, सीट बैठ गया है, सीट बैठ गया, दरवाजा नहीं लगा। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश है और ये है महिला पुरुष के पेशाब करने वाला है। ये है मूत्रालय घर, यानी पेशाब घर। ये देखिए इसका हाल, इसका हाल देखा जाए, यहाँ पर अभी पेशाब करने की कोई सीटें नहीं लगाई गई है। और ये अभी नया बन रहा था, आपको लग रहा है आधा काम छोड़ करके इसको, आधा काम छोड़ करके ही इसको छोड़ दिया गया है। अभी चारों तरफ यहाँ पर देख रहे हैं, ये लोग, ये कपड़ा किसका फंसा हुआ है यहाँ पर? कोई रहता नहीं तो इसी में लोग रहते हैं, क्या करें, गुजर कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये देखा जाए, ये सीट, ये सीट है, सब में सीट लगा हुआ है करीब करीब। जी, सीट लगा, लेकिन सब गंदगी भरा हुआ है, कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्या हो? और इस्तेमाल न करने के कारण है कि इसमें दरवाजे नहीं है। जब दरवाजे नहीं रहेंगे, इस्तेमाल कोई नहीं करेगा इसमें। 40 में सर गिर रहा है जो लगा हुआ है पत्थर, तब गिर रहा है यहाँ तक। कितना लागत इसका? गुड़ है नहीं लगाया हुआ? सर कुछ भी लगा नहीं है, तब कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? इधर आजी, इधर आजी, आप इधर आइए। क्या नाम है? इधर आइए, इधर आइए, डरिए मत, डरिए मत। अच्छा, राम जी का कुछ क्या? ये स्थिति क्यों बेहतर है? हाँ, उसी में मैंने के
ठेकेदार होने के बाद ठेकेदार भाग गया पैसा नहीं मिला उसका। अच्छा अच्छा उसका पैसा नहीं मिला, फिर दोबारा किसी ने इसको काम नहीं करवाया ना, पैसा फंसा। चले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दरकार बुलाया हमको। महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? समस्या क्या है यहाँ का? समस्या ये कि वो बन रहा है, नहीं बना है। कितना साल से ये बन रहा है? साल भर से, डेढ़ बरस अभी तक तैयारी नहीं हुआ है। ना तैयारी नहीं हुआ। ये यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ का माँ माताएं बहने कहाँ जाती है? माँ बहन बाहर जाती है, यहाँ बहुत दुख हो रहा है, बारात बारात आ रहा है तो दुख हो रहा है, यहाँ सब घर पास है सबको दुख हो रहा है। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है। चलिए, इन लोग के बाथरूम लैट्रिन जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है क्योंकि यहाँ पर दरवाजा नहीं है। यहाँ के कोई भी शौचालय में मैं घूमा तो वहाँ पर देखा कि ये हरजन पट्टी है, और हरजन पट्टी में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ताकि यहाँ भी माँ बहने हैं। सर, राजू रंजन जो प्रधान है बहादुरपुर का, बहादुरपुर के ध्रुव जी के लड़के हैं प्रधान जी का, अगर हरजन बस्ती में अगर ये नहीं आता तो एकदम नरक से भी नरक हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ, और न तो उसी पर खिलाफ भी आदमी हो जाता है जो बने काम ये करता है। चले बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्या करते हैं? यूज क्यों नहीं होता है? तालाबंद है, कौन तालाबंद किया है? सारा काम नहीं, कौन ठीक तो शौचालय यहाँ बना हुआ है 12 संख्या का, वहाँ पर कोई जाता होता नहीं है, वह भर चुका है पर शौचालय पूरी तरह से। अच्छा, उसके नाम पर पैसा पेमेंट करा लिया गया है। अच्छा, पूरा एकदम सुंदरीकरण दिखाकर पैसा पेमेंट करा लिया गया। अच्छा, उसमें दरवाजा तक नहीं लगा है। अच्छा, वो शौचालय है कहाँ? शौचालय यहीं पे है, चलिए आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये नाली कब बना था? ये नाली बन चुका 5 हो गया। अच्छा, अभी तक पट्टियाँ नहीं लगा है? अच्छा अच्छा अच्छा, जिस रास्ते में चल रहा हूँ इस रास्ते में भी देख रहे हैं कि ये रास्ता जो है काफी टूटा हुआ पड़ा हुआ है। देखिए ये कूड़ा भी नहीं उठा है, कूड़ा भी नहीं उठा है। अभी मैं महादलित मोहल्ला, ये महादलित मोहल्ला है उत्तर प्रदेश बलिया में उपस्थित है, और यहाँ पर अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन नगर पालिका परिषद बलिया लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये देखिए स्वच्छ अजय स्वच्छ भारत है, ताकि इसमें अभी गेट नहीं लगाया गया है ये शौचालय में, और ये करीब करीब लागत करीब कितना लागत होगा यहाँ? 35 लाख रुपया के लागत से शौचालय बना के टंकी भी नहीं, जो इसमें टंकी भी नहीं है, सब भरा हुआ शौचालय यहाँ नजर आ रहा है, और करीब करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रूम यहाँ पर नजर आ रही है। 12 यहाँ के लोग किस समस्या में जूझ रहे हैं, ये समस्याएं के बारे में थोड़ी सी मैं यहाँ पर कोई लोग हमसे जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? यही पर रहते हैं ना? ठीक है, क्या समस्या है यहाँ का? क्या समस्या है? क्या समस्या है? फिर शौचालय कैसे जाते हैं आप? आपके घर के माँ बहने कहाँ जाती है? जब दरवाजा ही नहीं है तो पीछे जाना पड़ता है, पटनाला है, वहीं जाना पड़ता है। आप लोग किस मोहल्ले में, कौन सी मोहल्ला है? हरजन पट्टी जगदीश। कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए ये भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार है, और जिस दिन भ्रष्टाचार मिट जाए ना भारत से, उस दिन यहाँ हर कोई सुकून का साथी लेगा और सुकून से लोग जिएंगे, क्योंकि ये लोग हरदम है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग बताते हैं कि झाड़ू देने भी कोई नहीं आता है, ताकि यहाँ यही के लोग स्टाफ है इस नगर पालिका के, यही लोग पूरे शहर को सफाई करते हैं, पूरे शहर की सफाई करने वाले के बाद खुद घर के आगे में कचरा लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत बदबू है,
और यहाँ पर देखिए पीछे पीछे का भी है और पीछे भी कुछ गंदगी है जो कि बहुत काफी गंदगी है, मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ। ये स्थिति है यहाँ की उत्तर प्रदेश 4000 जनसंख्या जी। सबसे पहला चीज के हरजन, हरजन के कोई समझता नहीं, हरजन का मतलब क्या होता है साहब? ये एक चीज जानिएगा आप कि हरजन जो होते हैं अपने नाम के लास्ट में कौन सा टाइटल लगाते हैं? रावत या राम, राम यानी राम लगाते हैं। राम का मतलब ही होता है भगवान, और भगवान यानी इन लोगों ने हर शहर में जा करके सफाई करते हैं, हर शहर के लोग बीमार न पड़ जाए इसलिए इन लोग सफाई करके उन लोग को सफाई में रखते हैं, और खुद इन लोग को गंदगी में रखा जा रहा है। कारण क्या है? जिसके टाइटल के लास्ट में अगर राम है तो भगवान के नाम को अपने साथ में लगाया हुआ है, और भगवान को गंदगी में नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये भावनाएं हैं, भाव में आइए सरकार, यहाँ के जो यूपी के योगी सरकार है भाव में आप आइए, और भाव में आकर के एक बार नजर खोल के देखिए, क्योंकि आप तो खुद योगी हैं, आपको क्या बताना है, आप अंदर की भी बातों को जानते हैं, तो आप स्वयं एक बार वेरीफाई करवाइए इन लोगों के मोहल्ले को, वेरीफाई करवाइए स्वच्छ भारत मिशन जो लिख करके आपने रखा है बोर्ड पर उसको वेरीफाई करवाइए, और उसको देखिए, और जांच होनी चाहिए इस पर, ताकि इसमें कितनी लूट घुसोट हुई है, और क्यों अभी तक इन लोग के जो टॉयलेट बनाया गया है उसमें दरवाजा क्यों नहीं लगा गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि नहीं? एकदम होनी चाहिए, जरूरी है जांच। सड़क 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 और यहाँ का सड़क भी देखा जा रहा है, अभी सड़क कितने दिन पहले बना हुआ है? लगभग हो गया साल भर, एक साल में सड़क को देखा जाएगा धस गया है। यहाँ के कहीं कहीं नाली पर भी देखा जा रहा है कि नाली में यहाँ पर मतलब पटिया लगा नहीं, यहाँ पर कुछ ये बताइए कभी यहाँ पर आपके में अंदर में आकर के देख रहा था मोहल्ले में कि यहाँ जो टॉयलेट बना हुआ है, जो लैट्रिन बना हुआ है उसका दरवाजा नहीं लगा हुआ है, तो आप लोग को समस्या होती है? होती है, समस्या होती है। तो आप लोग कहाँ जाते हैं? बाहर। अच्छा, लैट्रिन बनी हुई है लेकिन लैट्रिन में न जाने के कारण क्या है, वहाँ पर्दा नहीं, दरवाजा नहीं, और महिलाएं को इज्जत को ढांका जाता है। जब महिलाएं की इज्जत को आप ढांकिएगा नहीं, वहाँ पर्दा नहीं लगाइएगा, वहाँ दरवाजे नहीं लगाइएगा, तो फिर ये महिलाएं जाएगी कहाँ? क्योंकि इज्जत सबके समान होती है, सबकी इज्जत करनी आपकी जिम्मेवारी है, आप इज्जत करें और अच्छे से अपने राज्य को चलाएं। यहाँ पे खुद आने की जगह नहीं है, यहाँ पे कलक पदाधिकारी है, नगर पालिका के यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों पर ध्यान नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हरजन मोहल्ला है, और हरजन मोहल्ला के लोगों पर किसी का ध्यान नहीं पड़ता है, क्योंकि हरजन के जीने का हक शायद नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि हर जगह जीने का हक होता है, हर इंसान के जीने का हक होता है, क्योंकि हर जाति के लोग के जीने का हक होता है, और ये हरजन पट्टी में मैं झुका हूँ, और हरजन पट्टी की स्थिति मैं देख रहा हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ कागज में बन चुका है स्वच्छ, और यहाँ पर आकर के देखने पर ये पता चल रहा है कि कितना स्वच्छ है। यह इस वक्त है भारत, ये पूरे देखिए आप, स्वच्छ यूपी का ये नजारा को मैं दिखला रहा हूँ, यहाँ पर कल पड़ी हुई है जो कि नल जल, यहाँ से जल निकलने के लिए कल पड़ा हुआ है, ताकि यहाँ तक किसी के आने के रास्ता नहीं चलता है, चल भी नहीं रहा, एकदम खटारा हुआ है। ये है यूपी। अच्छा सर, यहाँ पर माताएं बहने कैसे जाती है? तो पीछे जाते हैं, क्या किया जाए, पीछे जाते हैं, खुला में जाना पड़ता है, मजबूरी है, मजबूरी है। अच्छा, यहाँ पर आपको नल जल की स्थिति क्या है? क्या देख रहे हैं, पानी नहीं है, सुबह पानी 4 बजे चालू करते हैं, फिर 10 बजे बंद कर देते हैं, फिर दोपहर में 2 बजे देते हैं, उसके फिर 1 घंटा बाद पानी मिलता है नहीं? तो सरकारी नल मिलता है, सरकारी जो सुविधा है, कभी कभी 3-4 दिन बीच में बंद हो जाता है। अच्छा, हर घर में बनाने कॉलोनी पास मतलब नहीं है? नहीं, कुछ नहीं मिला, 5 साल सरकार चला गया, कोई आवास कुछ नहीं, आवास ना कुछ मिला ही नहीं है, बहुत लोग बेघर भी है, बेघर भी जी, यानी जब आवास नहीं मिला तो लैट्रिन बाथरूम कैसा बनेगा, कहाँ से बनेगा बताइए आगे, किसको आवास नहीं मिला, किसी को लैट्रिन बाथरूम दस्तक सुविधा ही नहीं मिला, कहाँ से होगा, तुम लोग बारे सोचा ही नहीं गया। उत्तर प्रदेश की सरकार, अगर मेरी आवाज़ें को आप सुन रहे हैं तो गरीब के करीब आना अनिवार्य समझिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पूरा आपका है, और ये जो सरकार चल रही है ना, इन्हीं लोगों का पैसा से चल रहा है सरकार, तो आप ये बातों को ध्यान दें कि हर किसी की समस्याओं को आपको समझना पड़ेगा तो आप सरकार चला सकते हैं। अरे गंदगी है।
जो बच्चा कुछ सोचे के बाद मिले जाएंगे लेकिन ले नहीं पाए तो सब इस तरह देखे गए। स्वच्छ भारत लिखने को नहीं होगा, स्वच्छ बनाना पड़ेगा भारत को, क्योंकि कुछ आप बदलिएगा कुछ हम बदलेंगे तो ही पूरा भारत बदलेगा। तो ये है भारत की समस्या। और देखिए समस्या के बारे में आप नीचे कमेंट करके जरूर हमें बताइए ताकि अगले न्यूज को मैं आप तक पहुंचा सकूं। आपके इस क्षेत्र में गंदगी बहुत काफी देखेगी, काफी गंदगी है सर। और यहाँ का जो मेंबर है एकदम मतलब सब यहाँ के लोग बाहर में जाकर सफाई करते हैं बट यहाँ का जो मेंबर है इस मोहल्ले का सफाई नहीं करना चाहता है। यहाँ के लोग बाहर में जाकर सफाई करते हैं बट अपने मोहल्ले का कोई सफाई नहीं करता है। यहाँ पे एनी टाइम 24 घंटा गंदगी रहता है, नाली कभी साफ नहीं होता है, यहाँ का सड़क कभी साफ नहीं होता है। शौचालय जाएंगे तो शौचालय का हर एक दरवाजा टूटा हुआ है, शौचालय में कोई भी शौचालय करने नहीं जाता। बाहर यहाँ की महिलाएं सब बाहर जाती हैं, खुले में शौच करती हैं सब। बस प्रॉब्लम यही है, यहाँ के जितने भी चेयरमैन हैं सब कोई मतलब कुछ नहीं करते हैं। ये समस्या बहुत 5 साल पहले से भी समस्या है सर, 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। 5 साल पहले जो ये सरकार थी वो मतलब कैसी सरकार? वो सरकार अच्छी थी सर। अच्छा, 5 साल इससे पहले 2017 में जो मुलायम सिंह यादव थे उनकी सरकार अच्छी थी। उनकी सरकार में हम लोग के लिए रोजगार भर्ती भी बहुत सारी निकली और इनके 5 साल सरकार में हम लोग के लिए ना कोई रोजगार ना ही कोई भर्ती निकली। यहाँ पर पानी मिलता है आप लोग को? पानी मिलता है लेकिन सर समय समय से मिलता है, 2 घंटा 1 घंटा मिलेगा उसके बाद फिर पानी बंद कर दिया जाएगा। लैट्रिन बाथरूम बनाने के लिए पैसा आया था कि नहीं? कुछ नहीं आया सर, लाइटिंग बाथरूम बनाने के लिए जो पैसा आया था सरकार के लिए हम लोग को नहीं मिला। आप लोगों ने इसका कंप्लेन किया लेकिन सर कोई हमारी सुनता ही नहीं है। चलिए जो सुनता ही नहीं वो चुनेगा क्या? ये हरदन पट्टी के लोग हैं और हरदन को लोग अच्छे नजरिया से नहीं देखते हैं लेकिन देखना चाहिए क्योंकि हरिजन शुरू में भी इनका हरिजन है और टाइटल में भी इनका राम है। तो जाति के बात नहीं है, जीने का हक सबको है, सबको जी लेने दो। मरने की तमन्ना है लेकिन वक्त के साथ समय के साथ मरने दो। अपील यही करना चाहते हैं सर सरकार की जो पढ़े लिखे उन लोग के लिए कोई वैकेंसी लाया जाए ताकि 5 साल में तो कुछ कोई वैकेंसी हम लोग लिए आए नहीं। चाहे बीए करके आप पकौड़ा नहीं तल सकते हैं? क्यों सर, बीए करके हम पकौड़ा क्यों तलेंगे? सरकार तो जहाँ तक कह रही है कि बीए करके पकौड़ा भी तलना जरूरी है। अरे सर आप ही बताइए, अगर आप पढ़े लिखे हैं आपको कहा जाए पकौड़ा तलने के झाड़ू मारने के लिए आप मरेंगे? यानी ये गलत मतलब आवाज है सरकार की? यस सर, ये गलत है बिल्कुल। ये बात सुनने को भी मिल रहा है, कम बीए किए हैं, क्वालिफिकेशन है और बहुत पढ़े लिखे लोग इस मोहल्ला में मुझे मिल रहे हैं लेकिन मजबूर हैं कि वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। मजबूर हैं ये पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं तो इनकी समस्याओं को मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोग तक पहुँचाने के लिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए।